मैं बिना किसी तारीफ और तमहीद के मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब को दावत देना चाहूंगा कि वाह और अपना कलाम पेश फरमाएं। मुअज्जज सामिने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, हफाज़े किराम, शोराए इज़ाम, इन तमाम लोगों की दुआ लेते हुए आइए, एक मतला और चंद अशआर में हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन उससे कबल इरशाद, तमाम लोग गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहे आकाए नामदार ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत इमाम में एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाम से आप लोग माशाल्लाह कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए होंगे और मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों को राहत दिला दो। माशाल्लाह उलमा इकराम का दीदार कर रहे हैं, उलमा इकराम का देखना भी सवाब है, उनका दीदार करना भी सवाब है। आइए मैं हाजिर कर रहा हूँ मुलाजा। देखिएगा मदरसे के बच्चे जो हैं उनका क्या मकाम है, उनका क्या मर्तबा है। आइए मैं हाजिर कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए कि खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है। अरे खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है, खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है। पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जिंदा दिल लोग हैं, अल्लाह आपकी आपको सलामत रखे। के खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है। अरे बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है, खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है। के ओ जिसे की मिदहत जिने की मिदहत में मुकम्मल पारे कुरान है। अरे उस नबी पे कुर्बान है बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन ने कहा कितना बड़ा एहसान है। आइए बिल्कुल ताजा तरीन कलाम आपके हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद के आप सुनकर के बहुत ही हमें दुआओं से नवाजेंगे। और माशाल्लाह हमारे इलाके के लोग हैं, बहुत ज्यादा फॉलोवर भी यहाँ बैठे हुए हैं। आइए मैं हाजिर कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए। इरशाद नाम आका कलब पे जवाने लगा, नाम आका कलब पे जवाने लगा, नाका कलब पे जवाने लगा। अब रहमत हर एक सिमत छाने लगा, नाम आका कलब पे जो आने लगा,
अबुर रहमत हर एक सिमत छाने लगा, नाम आका कलब पे छुआने लगा, अबुर रहमत हर एक सिमत छाने लगा, अबुर रहमत हर एक सिमत छाने लगा, फिर बहारों को इज ने तरन्नुम मिला, फिर बहारों को इज ने तरन्नुम मिला, फिर बहारों को इज ने तरन्नुम मिला, शर शौक में गुनगुनाने लगा, हर बशर शौक में गुनगुनाने लगा, फखर पैगंबरा रहमते दो जहां, फखर पैगंबरा रहमते दो जहां, आप है वो चेहतक लिख कौन मका, आप है वजह तब लिख कौन मका, आए तो रोशन हुआ ये जहां, आप आए तो रोशन हुआ ये जहां, आप आए तो रोशन हुआ ये जहां, आलम बिछाने लगा, नूर तौहीद आलम बिछाने लगा, बोल दिया आप लोग सुभान अल्लाह, बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं आप, शायर साहब का इशारा, आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे हैं, और हमारे नाजिम साहब ऐसा लगता है कि बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं, ना हिलेंगे ना डोलेंगे, वो सिर्फ जो है बिल्कुल आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपके नामा अमाल में निकिया जाएगी और हमारी हिम्मत अफजाई होगी। एक बार आप लोग अरमान से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चले आप तय पानगर की तरफ, जब चले आप तय पानगर की तरफ, जब चले आप तय पानगर की तरफ, देखते रह गए अपने घर की तरफ, देखते रह गए अपने घर की तरफ, रात भी चल रही थी सहर की तरफ, रात भी चल रही थी सहर की तरफ,
रात भी चल रही है सहरे के तरफ। धीरे धीरे मदीना भी आने लगा, धीरे धीरे मदीना भी आने लगा। ले लो अपने गुलाम की आका खबर, ले लो अपने गुलाम की आका खबर, ले लो अपने गुलाम की आका खबर। मुश्किल है अब जिंदगी का सफर, कितना मुश्किल है अब जिंदगी का सफर। नाम आपका कलब पे जो आने लगा, नाम आपका कलब पे जो लगा। अबर रहमत हर एक सिमत छाने लगा।